ऐसा तो भाई गांधी परिवार में अगर मैं नेहरू परिवार की बात करूं, मोतीलाल से लेकर के कुल मिला के 8-10 लोग रहे होंगे। इंदिरा गांधी जी को भी 2 लड़के 2 बहू हैं। उसके पहले भी देखिए इंदिरा गांधी के पहले भी देखिए जवाहरलाल नेहरू, उनकी वाइफ और जो लड़के वगैरह जो भी रहे हों, 8-10 लोगों की फैमिली ने पूरे 100 साल तक कॉन्ट्रीब्यूट किया। ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इस देश में जो भी चीजें हो रहा था, क्या किसी एक संस्थान या एक फैमिली के लोगों ने ये सारी चीजें कर दी? अगर भारत ने विकास किया, कुछ जी भाखड़ा बाद मना, हजारों मजदूरों ने वहां पे दिन रात मेहनत की है, तो क्या उनको श्रेय नहीं मिलेगा? या कोई और चीज बनी, IIT अगर आज वर्ल्ड लेवल की बनी, तो एक प्यून से लेके वहां पे जितने भी टीचर रहे हैं, अथक परिश्रम उनका रहा है, तब जाके ये संस्थान, ये देश आज ठीक बात वैश्विक जी, उस पे ठीक काम रहा बात है। ठीक बात। अरुणेश यादव इसी जी, जो बात AK मिश्रा जी कह रहे, क्या ऐसा संभव है कि कुल जमा 8-10 लोगों का, 15 लोगों का परिवार, मोतीलाल जी से लेकर और अब तक का है, जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहे उस परिवार से, सारा जो कुछ इस देश में अच्छा हुआ वो उसका श्रेय अकेले उनको दे दें, और जो कुछ इस देश में अच्छा नहीं हुआ, शुभ नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दें?